मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। पर बड़े दुख की बात है, 15 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। क्यों? मुसलमान ज्यादा में अगर इंडियन लड़की इधर आ सकती है, पाकिस्तान की लड़की उधर नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए? नहीं जी, गलत में क्या लॉजिक है? तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी लड़की को हिंदुस्तानी लड़के से शादी करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में लड़के हैं ना, पाकिस्तान। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रेट्स के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है डेली स्वैग का, जहां पर मुजम्मिल भाई एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। और इसका टॉपिक है कि पाक गर्ल वायरल सेइंग आई लव इंडिया मोर देन पाकिस्तान। और शायद जहां तक मुझे पता है कि यहां पे शादी वादी को लेकर के बात होने वाली है कि पाकिस्तानी लड़की चाहती है कि वो किसी इंडियन के साथ शादी करे। तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और मैंने हल्का सा ये वीडियो देखा है, तो पाकिस्तान के सबसे हैंडसम आदमी से भी हम आपको इस वीडियो में मिलवाने वाले हैं, जिसका दावा यह है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो स्वर्ग की अप्सराएं भी यानी जन्नत की जो हूरे हैं उनकी वो भी उसके सामने गिर गिर पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के सबसे हैंडसम आदमी को और इंजॉय करते हैं वीडियो, क्योंकि मेन पर्पज ही वीडियो को इंजॉय करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है जी। नाम आप? मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं जी? जुतियाँ बेचनी इधर। जबरदस्त हो गया स्टॉल आपका। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि कह रही है कि भाई मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत है, कोई हिंदुस्तानी लड़का आ जाए और मुझे यहाँ से लेके जाए और मुझे हिंदुस्तान दिखाए। उसकी छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंकल आप भी आ जाए, वीडियो देखें। आ जाए ज़रा, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। पाकिस्तानी एक लड़की है, वो कह रही है कि मुझे हिंदुस्तान का लड़का पसंद है, कोई मुझे आके ले जाए और हिंदुस्तान दिखाए। जाना है? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में इतने लड़के खूबसूरत हैं, आप जैसे मसले इतने प्यारे हैं, आपको ले लम्मिल भाई तो कह रहे कि मुझे हिंदुस्तानी लड़के पसंद। हिंदुस्तानी में इंडियन में खूबसूरती को नहीं है, पाकिस्तान में खूबसूरत है। खूबसूरती है एक ही ओरिजिन से है ना, आगे पीछे। ये गलत बात है, पाकिस्तान लड़की को पाकिस्तान लड़का पसंद करना चाहिए, इंडियन नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। जो सानिया मिर्जा यहाँ पर हमारे शुएब मलिक से के साथ शादी करके आई थी, वो भी तो गलत। वो तो मोहब्बत होगी ना, मोहब्बत में चलो हर चीज जायज होती है। इनको भी तो मोहब्बत होगी, उन्हें किसी को अभी कोई लड़का देखेगा फिर ही मोहब्बत करेंगे, अभी तो देखा नहीं है। नहीं, अगर मोहब्बत हो गई या अगर मोहब्बत होगी तो फिर गलत। मोहब्बत होगी तो फिर हम इससे करेंगे, पाकिस्तान में किसी शादी करेंगे, हिंदुस्तान में नहीं। वो गलत बात है, वो इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया की लड़की आएगा। आज ये होता है पाकिस्तानिया लॉजिक, यानी सानिया मिर्जा शोएब मलिक से शादी करे तो वो मोहब्बत है, लेकिन यही पाकिस्तानी लड़की इंडियन लड़की से शादी करे तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पाकिस्तान के लड़के बड़े हैंडसम हैं। भाई इन्हें इंडिया भेज दो यार, इन्हें इंडिया भेज दो, दिल्ली मुंबई के लॉन्डो से मिला दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फट जाएगी इनकी आँखें और बहुत कुछ फटेगा, लेकिन आँखें सबसे पहली होंगी। किस दुनिया में रहते हैं यार ये लड़का, उनकी लड़की हो फिर काम चल सकते हैं। हमारी लड़की इंडिया नहीं जानी चाहिए, इधर जाना चाहिए। आप हमारी क्यों नहीं जानी? आपसे शादी कर ले। मैं तो शादी करूंगा ही, लेकिन ये नहीं जरूरी कि मैं किसी लड़की से करूंगा, मैं किसी मुजम्मिल भाई लट्टू, लेकिन आपने मेरी इजाजत के बगैर किसी लड़की को मेरे से शादी करवा रहे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। गाइस कमेंट में लिख दो लड़की की सैया मुजम्मिल भैया। मुझे खूबसूरत लड़का चाहिए, साथ कह रही है इंडियन भी चाहिए। इंडियन भी गलत बात है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में मुसलमान हमसे ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा में अगर इंडियन लड़की इधर आ सकती है, पाकिस्तान की लड़की उधर नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए? नहीं जी, गलत। इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या गलत बात? इसमें ये गलत बात है, हमारी इज्जत है पाकिस्तान की, यार इधर से लड़की उधर जाएगी तो गलत बात है ना, पाकिस्तान में बड़े इज्जतदार हैं, उधर की सारी लड़की चल जाती है, उधर की लड़की चल जाती है, लेकिन इधर का लड़का नहीं, लड़का चलेगा। हाँ जी, इसलिए सही हो गया। अभी जो हमारी जो एक लड़की उधर गई है, वो पहले हाँ जो गई थी, कौन गई? वो लड़की सानिया क्या ना, वो मिर्जा क्या नाम है, इसको मुझे नाम का नहीं पता। चार बच्चे लेके उधर गई हुई पाकिस्तान। हाँ जी, चार बच्चे तो हो रही ना, जलील हो रही है, वो लड़की के पास ना घर है ना कोई रोटी है, हिंदू के साथ शादी की है, खुद अपने आप को बड़ा घर कर रही है अपना, अच्छी अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं गलत बात नहीं करना चाहिए। नहीं लगता कि ले दे के इधर की लड़की उधर, उधर की लड़की इधर आकर इस तरह से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। सर ये इधर की लड़की उधर उधर धंधा नहीं करना है, शादी करनी है। वहाँ से लड़की इधर आ जाए, हमारी लड़की ना उधर जाए। आप एक मिनट आएंगे, आपसे छोटा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मजीद खान। खान साहब आपके लिए ना एक तोहफा है मेरे पास, वो एक पाकिस्तानी लड़की क्या कह रही है आप सुने जरा।
क्या कहेंगे? ये कहते बस उसको क्या बोले जाओ बाहर गया पाकिस्तानी को लोग पसंद नहीं करता क्या वजह है उन्हें बड़ा सौदा जरूरत होगा इस वास्ते लाएंगे। मतलब कि यहाँ पर वो लड़की कह रही है कि मुझे कोई हिंदुस्तानी आए और मुझे ब्याह के या मुझे आए और हिंदुस्तान दिखाए मुझे लेके जाए, पाकिस्तानी लड़की ये कह रही है, क्या पाकिस्तानी लड़की को आपने इतनी इजाज़त दी है कि वो इस तरह की बातें करें? नहीं कभी भी नहीं। ये लड़की क्यों कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी लड़के से मोहब्बत करती हूँ हिंदुस्तान जाने की? क्यों मरवा रहे उस लड़की को यार, दिन दिन से खराब हो रहा है लोग हर बंदे की कह रहे हैं किसको क्या बोल रहे हैं तक कोई पूछने वाला नहीं है इसका। तो यहाँ से एक और दो चार बच्चे भी लेकर अपनी वो हिंदुस्तान गई है, आपको पता उसके बारे में? हाँ जी पता है। तो यहाँ क्या हो रहा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मुल्क बस कोई पूछने वाला नहीं है भाईजान का, पहले वो वाला पाकिस्तानी लोग नहीं है अपनी जान को कुर्बान करता सी, अब वो बंदे रह गया बस भाई ठीक है कोई करना ही ठीक है बस हो जाए। हम ये पंजाब में भी देखा है जिसको मना करना है इस काम ना करे करो वो बोले भाईजान हम यही काम। हाँ भाई ये जो लड़की है ये कह रही कि अगर कोई हिंदुस्तान का लड़का इसको पसंद आ जाता है या ये लड़की पसंद कर लेती हिंदुस्तान चली जाती फिर नो ये हो गया नो कोई पूछने वाले तो नहीं, मैं पहला बोला ये हो गया बस जिस हिंदुस्तान ये चली गई ये चली गई ये अभी पाकिस्तान नहीं आ सकती वापस। क्यों नहीं आ सकती? पाकिस्तानी उसको मारेगा, पाकिस्तानी मार देंगे? हाँ जी मारेगा। क्यों मारेगा? ये बाहर गया उसको पाकिस्तान यार पाकिस्तान बंदा का उसको पसंद नहीं किया कर अभी ये बाहर गया पाकिस्तान में रहते हुए कह रही कि मुझे लड़का दूसरा पसंद है इसलिए मारेंगे। हाँ जी पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी लड़की को ये तो सोच है इनके शादी करनी चाहिए? नहीं नहीं करनी चाहिए। नहीं क्यों नहीं करनी? हाँ इससे करनी चाहिए। पाकिस्तान में लड़के हैं ना पाकिस्तानी मर गए हैं। आगे करो यार लड़के की तरफ जरा ज़ूम करो। पाकिस्तानी लड़के हैं पाकिस्तानी किस लिए हैं? यहाँ पाकिस्तान के लड़कों में जान नहीं है? नहीं है तुमको देख कर यही लग रहा है। आप उस लड़की के साथ लिए क्या कर सकते हो अगर उससे शादी करनी है? मैं तो अभी नहीं, मेरी एज ही नहीं है शादी करने की, मैं उसके साथ नहीं करती। आप छोटे? जी। कितने साल के? मेरी एज है 15 साल है। 15 साल है जी। यार लगते तो 20-25 साल के। नहीं नहीं ये मैंने ना कटिंग मेरा काम है तो ये रेजर वगैरह लगा के मैंने खाते वगैरह लाया। ओ माय गॉड ब्लेड मारने से दाढ़ी आ जाती जी? ऐसे ही आ जाती है। लड़कियाँ नहीं लगवाती वो वैक्स करवाती हैं। अच्छा इसलिए नहीं आती? अब आप कहीं और चले गए भाई, आप जरा थोड़ा आगे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? लियाकत अली मेरा नाम। लियाकत अली नाम आपका, क्या करते हैं? मैं मेरा पहले मुलाजम था, अब तो मैं भैंसों का काम करता हूं। एक पाकिस्तानी लड़की है जो ऑन द कैमरा अगर ये कह रही है कि भाई कोई हिंदुस्तानी लड़का मुझे मिले जिससे मैं शादी करूं, मैं हिंदुस्तान जाऊं, हिंदुस्तान देखना चाहती हूं, तो क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर सकती है या नहीं? देखो जी वालदेन की आखिरी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चा बेटी हो या बेटा हो, वालदेन की आखिरी ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी हमारे हाथ से होए, ठीक है ना जी? अगर वो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में करना चाहती है, अगर वो बंदा मुसलमान है तो फिर तो ठीक है, अगर मुसलमान नहीं है तो बिल्कुल गलत है। मुसलमान ना हुआ अगर वो शादी करती तो फिर क्या करेंगे आप जी? अगर वो लड़का मुसलमान नहीं है जिससे लड़की शादी करना चाहती है तो फिर क्या करेंगे आप? इससे तो उस लड़की को मर जाना चाहिए वो बेहतर है। हाँ मुसलमान से ही करनी है? हाँ मुसलमान से करनी चाहिए। तो इस तरह की लड़कियां जब ये लड़की आवाज़ उठा रही दूसरी भी उठाएगी तो फिर इस तरह किधर जाएंगे? देखो जी कलाम पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि वालदैन की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक शादी होनी चाहिए, जो मसल लिखा हुआ है जिस तरीके से भी वालदैन हों कुछ गवाह हों, ये जो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं ये बिल्कुल सरासर गलत करती हैं, ये वालदैन के भी और पूरे मुल्क को बदनाम कर रही हैं। लड़कियों को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने की भी जायज़ नहीं है? नहीं है इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं भी नहीं। नहीं इस्लाम कह रहा है अगर पसंद आ जाए तो वालदैन की रह लो, हर जगह इस्लाम कह रहा है, परवरिश किया है उनका भी तो हक है ना। क्या समझते हैं लड़कियों को अपनी मर्जी के शादी करने के मुताबिक इजाज़त है कि नहीं? ये बात तो असल वही आ जाती है जो इन्होंने अभी कही कि वालदैन की इजाजत के बगैर, मतलब कि जो इजाजत के बगैर निकाह होगा नहीं शादी नहीं। अगर वीडियो जहां पर मुजम्मिल भाई, हालांकि वीडियो काफी लंबी है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोच आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के। यानी इनका कहना है कि जबरदस्ती करवा दो शादी लड़की की मर्जी हो या ना हो, और बाद में यकीन मानिए घरेलू कलह का सबसे बड़ा कारण यही होता है जब आप किसी की जबरदस्ती शादी करवा दें। तो ये नहीं कहता कि नहीं करवानी चाहिए, लेकिन एक बार आज के वो समय के हिसाब से भी थोड़ा एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे मैं कोर्ट में ही बैठता हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स के पास केस आते रहते हैं जहाँ पर घरेलू कलह की वजह जब पूछो तो यही होता है
कि बिना मर्जी शादी करवा दिया, लड़की को लड़का नहीं पसंद, लड़के को लड़की नहीं पसंद, और आपसे जो कलह है वो होती रहती है। तो जाने दीजिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।